भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि मध्य प्रदेश संपन्न और समृद्ध बने ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का ये हाल दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करने से हुआ है। इस अवसर पर वीडी शर्मा ने कहा कि महालक्ष्मी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश वैभवशाली, संपन्न और सशक्त बने तथा मध्य प्रदेश का हर नागरिक इस वैभव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। शर्मा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार के साथ खड़े होकर अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हर प्रकार से भूमिका निभाएं। उन्होंने कमलनाथ के मध्य प्रदेश में रुकने पर कहा कि उनका स्वागत है, क्योंकि हम उस विचारधारा के लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिग्विजय के इशारे पर सरकार चलाई, इसलिए कांग्रेस का ये हाल हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के मार्गदर्शन पर कार्य करने की भी बात कही। सबसे पहले तो मैं आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्रदेशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में ही हमारी मीडिया के जो पूरे मित्र हैं मध्य प्रदेश के, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत हृदय से आज धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया है कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान कल जिसकी लॉन्चिंग हुई है, उसका रोड मैप लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक ऐसा सपना जो उन्होंने चुनौती को अवसर में बदल करके देश को आगे ले जाने का अभियान और एक व्यापक अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत, जो कभी समय में भारत का गांव गांव और घर घर आत्मनिर्भर होता था, आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत हमारा आत्मनिर्भर बने, ये अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो की और मध्य प्रदेश पहला राज्य इसको लागू करने के लिए बना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनकी टीम को, हमारे सारे प्रशासनिक तंत्र को। क्या इसमें हम आगामी समय में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी मिलकर के मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे? स्वागत है, मैं तो स्वागत करूँगा, अच्छी बात है रहें। मैंने तो कल इतना भी कहा कि उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता भी रहेंगे, मैंने तो ये कहा हम तो उस धारा के लोग हैं कि सक्षम विपक्ष हो तो हम तो जो गुड गवर्नेंस माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उसमें और गति आएगी, वो और निखरेगा। भाजपा तो वो संगठन है, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो इसलिए वो विपक्ष की भूमिका निभाएं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहें, 2023 नहीं मैं तो कहता हूँ वो हमेशा हमेशा रहें। राहुल गांधी जी हैं वो हमेशा कांग्रेस में रहें, कमलनाथ जी हमेशा कांग्रेस में रहें और हमेशा कांग्रेस का काम करते रहें, तो मैं तो उनको शुभकामना ही दूंगा। अब ये तो वो जाने, देखिए क्या होता है, जनता जिलाध्यक्ष हो या कोई भी हो, जनप्रतिनिधि क्यों आपके यहाँ से विमुख होकर के गए, इस पर समीक्षा उनको करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश को 15 महीनों में आपने जो किया, अवहेलना की, क्षेत्रों की अवहेलना की आपने, मुद्दों की अवहेलना की आपने, जनता के साथ वादा खिलाफी की आपने, जनता के साथ गद्दारी की कि सरकार जिनके कारण से बनी थी, उन बातों का उल्लेख अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, सब कुछ हो गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता के इशारे पर सरकार चलाई तो मध्य प्रदेश में और क्या होगा, जो होना था वही होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।